ऑलराइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी राउजर NS 200 में जो पेट्रोल लीकेज का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल कहाँ से लीक कर रहा है और जो लीकेज है उसको रिपेयर करने में कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्च आएगा, ये टोटल चीज़ आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि जिसके पास भी फ्यूल टैंक कवर वाली मोटरसाइकिल होगी, जैसे कि NS 200 होगी, NS 160 हो गई, फिर अपाचे 204B हो गई और ये FZ हो गई, ये सब जो बाइक्स है वो टोटल में आपको प्लास्टिक वाली ऊपर में टंकी कवर रहती है और अंदर टंकी रहता है, तो इसमें जो स्क्रूज जो होते हैं वो ज़्यादा टाइट होने के कारण टंकी में प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि मेरे साथ आया, वो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो देखो वीडियो और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों मेरे राजा NS 200 से पेट्रोल लीक कर रहा है और मैंने इसमें 3 लीटर पेट्रोल भराया था कल और यहाँ से पेट्रोल इस साइड से देख रहे हो, पेट्रोल के निशान आप देख सकते हो, यहाँ पे पेट्रोल का निशान आप देखो, यहाँ से पूरा लीक करते हुए नीचे की तरफ गिरा है पेट्रोल और यहाँ देखिए पेट्रोल अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे पेट्रोल लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है मेरी बाइक में, तो अभी इसका फ्यूल टैंक निकालेंगे और देखेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसका अपन लोग ने अभी टंकी साइड पैनल वगैरह सब निकाल लिया, बैटरी पैनल निकाल लिए हैं और टंकी यहाँ पे है, खोल के निकाल लिए, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट रिमूव कर लिए, टंकी कवर नीचे रखा हुआ है, देख लीजिए। इसमें मेन फॉल्ट क्या था मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादा बड़ा नट कसने की वजह से, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, पकड़ दो टंकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लंबा नट कसने की वजह से हुआ ना, ज़्यादा लंबा नट कसने की वजह से यहाँ पे पॉइंटेड होल कर दिया है, जिसके वजह से मैं टंकी लीक हो रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लोग टंकी को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, वॉश करने के बाद पकड़ दो टंकी, वॉश करने के बाद इस पर कराएंगे अपन लोग गैस बेल्डिंग, यहाँ पे जो पॉइंटेड देख रहे हो ना, यहाँ पे अपन लोग कराएंगे गैस बेल्डिंग और उसके बाद इसे फिट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, ये प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के साथ भी, तो प्लीज़ जो टंकी का जो एक्चुअल नट होता है वही लगवाएं और जो अदर नट वगैरह होते हैं ना वो एकदम मत करवाइएगा, जिसके कारण आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हम लोग पानी मार के टंकी पहले क्लीन करेंगे उसके बाद बेल्डिंग कराएंगे, अगर पानी नहीं मारेंगे ना तो भाई आग पकड़ सकता है, तो देख लो पहले पानी मार लेते हैं और उसके बाद इसे बेल्डिंग करवाने ले जाते हैं और अब इसको बेल्डिंग करवा लेते हैं। इसमें अब फिर से फिटिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो गया है, बेल्डिंग करवा लिया मैंने, अब जो जो टंकी का जो सामान है उसे फिर से इसमें लगाया जा रहा है वापस और इसे मैं टाइमलैप्स में आपको दिखा देता हूँ। भाई अभी मुझे नया टंकी परचेस करना पड़ जाता, लेकिन भाई साहब यहाँ पे एकदम छोटा सा पॉइंटेड का छेद हो गया था बड़ा नट कसने के कारण, जिसके कारण मेरे फ्यूल टैंक NS 200 का लीक करने लगा था, तो इसे मैंने बेल्डिंग करा लिया, 100 रुपये लगे भाई बेल्डिंग कराने में, वो छोटा सा छेद को बेल्ट कराने में 100 रुपये लग गए, तो इसे वापस लगा रहे हैं, वापस लगाने के बाद और इसमें इंस्टॉल करेंगे और पेट्रोल डाल के चेक करेंगे कि भाई साहब की पेट्रोल लीक कहीं से हो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो टाइम लैप्स में आप लोग टाइम लैप्स में इसे देख लो। तो सारा चीज़ हम लोग ने कस लिया टंकी का और इसे वापस फिटिंग कर रहे हैं गाड़ी पे अपने और यहाँ पे देख लो, अब फिंगर क्रॉस करते कि भाई साहब इसमें अब पेट्रोल लीक का प्रॉब्लम ना आए।
तो भाई वीडियो में तो आप लोग ने पूरा देखा था हमजाम कि भाई पेट्रोल लीक NS200 का कैसे होता है। ये NS200 का सवाल नहीं है, FZ का में भी हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे मोटरसाइकिल में हो सकते जो कि टंकी कवर वाली होती है, ऊपर से टंकी कवर रहता है प्लास्टिक का, अंदर से स्टील का, अंदर से वो टंकी फ्यूल टैंक रहता है। तो ये ऐसे जो नट्स होते हैं ना जो टाइट होते हैं फ्यूल टैंक कवर पे टंकी के अंदर जाने के लिए, तो यही नट जाकर के वहाँ टच कर गया था, जिसके कारण मैं टंकी में इतना छोटा सा होल हो गया था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा दिया, तो यही सारी परेशानियाँ थी मेरी गाड़ी के साथ। और पेट्रोल जो है ना एकदम इस साइड से पूरा, देखो पेट्रोल का साइन देख रहे हो ना, ये साइड से पूरा एकदम नीचे होते हुए इंजन से होते हुए नीचे गिर रहा था। तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ लीकेज, यहाँ से देखो दोस्तों। अब इसमें पेट्रोल जो वहाँ पर रखा हुआ डब्बा में मेरा वाला, तो उसको इसमें पेट्रोल डालेंगे और चेक करेंगे कि भाई सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं। तो फिंगर क्रॉस करते हैं कि अल्लाह ताला हो जाए काम, क्योंकि सुबह से परेशान हूँ मैं। देखता हूँ, डाल भाई पेट्रोल अंदर, गया पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल अंदर देख लो, पेट्रोल अंदर जा रहा है, देख सो सामने से खाते हैं। आप देखना है कि महाशय यहाँ से निकलते हैं कि नहीं, ठीक है। पहले पेट्रोल अंदर डाल लेते हैं, उसके बाद अपन लोग चेक करेंगे, ठीक है। सीधा करो तो गाड़ी, सीधा करो ना, सीधा चेक कर लेते हैं कि पेट्रोल आ रहा है कि नहीं। यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोग को, देखो पेट्रोल अब एकदम नहीं आ रहा है। पहले यहाँ से पेट्रोल आ रहा था सीधा करने पे मोटरसाइकिल को, लेकिन अभी पेट्रोल एकदम नहीं है। पूरा सीधा करो तो गाड़ी, पूरा पूरा, हाँ देखो नहीं, पेट्रोल एकदम नहीं है, मतलब कि काम कर गया। चलो टंकी लीकेज था। तो ऑलराइट दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि भाई मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल लीकेज प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ से हो रहा था। तो दोस्तों अगर आपके पास NS200 है, RS200 है, या फिर यामा FZ है, या फिर अपाची 204 भी है, तो भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल्स हैं इनमें फ्यूल टैंक कवर ऊपर की साइड रहता है, फ्यूल टैंक अंदर रहता है। तो यहाँ पे जो इसके जो स्क्रू नट्स वगैरह जो भी होते हैं वो ज़्यादा लंबा वाला अगर टाइट करवा दोगे, जो एक्चुअल नट नहीं है, मतलब आफ्टर मार्केट वाला नट अगर आप टाइट करा दोगे, तो वो फ्यूल टैंक में उस शेप का, नट के शेप का होल बना देता है, जिसके कारण फ्यूल टैंक लीक करने लगता है, पेट्रोल निकलने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एमसील मत लगाना, क्योंकि एमसील परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको गैस वेल्डिंग कराना ही होगा। तो 100-150 रुपये के लिए आप फ्यूल टैंक चेंज मत कर देना, ठीक है, और एमसील का प्रयोग भूल से ना करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दो इस बाइक को इजाजत, लिव फ्री, राइड आउट एंड हैव अ सेफ राइड।